हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी से ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आज हम बनाने वाले हैं सूजी से ब्रेड। सूजी से ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है, वो बारीक काट ली है। ये हमारी एक चम्मच चिली फ्लेक्स है। ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। एक चम्मच जीरा है, थोड़ा हींग है, ये राई है, ये कढ़ी पत्ता लिया है मैंने, इसको हम काट के डालेंगे इसमें। और इसमें मैं एक कटोरी सूजी ले रही हूँ। और इसमें हम एक आलू डालेंगे, ये कच्चा आलू लिया है मैंने, छील लिया है। अब इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, इसको पानी में ही ग्रेट कर लेंगे हम। इससे क्या होगा, हमारे जो ये आलू के लच्छे निकलेंगे ये काले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए हमारा आलू जो है ग्रेट हो चुका है। ग्रेट होने के बाद मैंने इसको दो तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब इसको हम एक तरफ रख लेंगे। अब हम बनाते हैं अपने ब्रेड पकौड़े। गैस हमने चालू कर लिया, एक पैन रख लिया है, इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे, इसको हम गर्म होने देंगे अच्छे से। ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले राई दाना डालेंगे, इसमें कड़ी लीव्स डालेंगे, जीरा भी डाल देंगे साथ में, इसको भूनने देंगे थोड़ी देर। जीरा हमारा भून चुका है, इसमें हींग डालेंगे, हींग के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी साथ में डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे ये भी इसी में डालेंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे। हमने जितनी बड़ी कटोरी से सूजी नाप के लिए उतनी बड़ी कटोरी से हम पानी डालेंगे। एक कटोरी सूजी हम इसमें दो कटोरी पानी डालेंगे। पानी को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। पानी हमारा जो गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सूजी जो है वो धीरे धीरे डालेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। सूजी के जो हमारे लम्स है वो सारे खत्म हो चुके हैं, और इसी चलाते चलाते इसी दौरान हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इसको 15 मिनट हो चुकी है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो बनाया था ये भी फूल गया है, इससे पता चल रहा है कि हमारी सूजी जो है अच्छे से पक चुकी है। गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। अब हम एक थाली ले लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। मैं इसको थाली में इस तरीके से सारे को डाल दूंगी। अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें। जैसे जैसे ये ठंडा होगा उसी तरीके से ये बिल्कुल सेट हो जाएगी हमारी। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये अब ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम काट लेंगे चाकू से। इस तरीके से हम पीस निकाल लेंगे इनके। ये देखिए मैंने ये सारे पीस निकाल लिए हैं, इस तरीके से काट लिए हैं। काटने के बाद हम इनको ऐसे भी दे सकते हैं, और अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके पीस डालेंगे। जब तक ये बबल्स खत्म नहीं हो जाते हमें ये छेड़ने नहीं है। अब हम इनको पलट लेंगे।
अब हमारे ब्रेड जो है ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा बैच तैयार कर लेंगे हम। हमारा ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। हमारे सूजी ब्रेड बनके तैयार हो चुके हैं, देखो आप कितने अच्छे बने हैं, क्रिस्पी भी अच्छे बने हैं और सॉफ्ट भी हैं। ये देखिए, इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।